हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका साई और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग जैसे प्यार दे रहे हो वैसे ही देते रहना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ना पूरी वीडियो वॉच किया करो। आप लोग थोड़ा सा देख के भाग जाते हो यार, बहुत दुख होता है। प्लीज़ पूरी वीडियो वॉच किया करिए, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो वॉच किया है या नहीं किया है। तो इसलिए छोटी सी रिक्वेस्ट है, और आप लोग पूरी वीडियो वॉच करेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आज मैं कुछ अलग मतलब मेरा ना कोई फुटवेयर का है, ना टॉयरिंग का है, ना एंकलेट का है। आज मैं फुट मसाज करूँगी। एक्चुअली फुट मसाज इस वजह से करूँगी ना क्योंकि हर कोई इंसान काम करते करते थक जाता है, चाहे वो जेंट्स हो या फिर लेडीज हो। काम ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को थका देती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पैरों का मसाज कैसे करें और अपने थकान को कैसे दूर करें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि आप अगर ऐसे सिंपल भी मसाज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसमें ऑयल या ऑयल सबसे मुझे लगता है सबसे बेस्ट होता है, अगर आप उससे करोगे ना तो वो ज़्यादा बेटर होगा मुझे लगता है। और बहुत ज़्यादा अच्छे से ना हाथ भी चलते हैं ऑयल लगाने के बाद, और बहुत ही अच्छी फीलिंग भी आती है ऑयल से। तो ऑयल से मसाज बेटर होगा अगर आप अपने पैरों की थकान मिटाना चाहते हो तो। मेरे नेल टूट गए हैं और मैं चाहती हूँ वो मेरे जल्दी से बड़े बड़े हो जाए, लेकिन हो ही नहीं रहे हैं। और बस मैं उनको, मुझे किसी ने कहा है ना आप सच में नेल बढ़ा लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी ऐसा हो रहा है कि कितनी जल्दी मेरे नेल बढ़ जाए। तो यहाँ पे मैं नारियल का तेल ले रही हूँ अपने पैरों की मसाज करने के लिए। आप नारियल का तेल ले सकते हो या सरसों का तेल ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। आप जिस भी तेल से अपने पैरों की मसाज करना चाहते हो, थकान दूर करना चाहते हो, अगर आप थोड़ा सा रात में अगर ये मसाज करते हैं ना तो थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए, फिर देखिए क्या झक्कास मतलब थकान दूर होती है आपकी। तो यहाँ पे मैं अभी डे में वीडियो बना रही हूँ तो बस मैं ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ, मसाज नहीं कर रही हूँ। वैसे मैं जब भी करती हूँ तो हल्का गुनगुना वार्म जो ऑयल होता है उसी से करती हूँ, और इससे करने से ना सच में बहुत ही अच्छा सा एहसास होता है। मतलब पैरों में जो दर्द होते हैं ना वो बिल्कुल भी छुमंतर हो जाते हैं ऐसे कर। मेरा ना महावर लगाने से ना मेरे जो वो होते हैं ना थोड़े थोड़े क्रैक से पड़ जाते हैं, तो वो ऐसा लग रहा है पर वो है, मुझे क्रैक हुआ नहीं है, बस उसके लगाने से ऐसा हो जाता है मुझे, तो बस वही लग रहा है। और अगर आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है तो आप जो ये बीच में होता है ना वहाँ पे आप हल्के हल्के से मतलब पुश करके आप गोल गोल राउंड राउंड करके उसे दबाओगे तो आपको गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम होगी। अगर आप ऐसा रेगुलर करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा मतलब रिस्पॉन्स आता है ऐसा करने से, सच में ट्रस्ट मी। और फिर ऐसे बीच में करते करते नीचे करके आप ख़त्म कर दो। तो इससे आपको दो चीज़ का फ़ायदा होगा, एक तो आपके पैरों का अच्छे से मसाज भी हो जाएगा और दूसरा आपको गैस्ट्रिक की भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और सारी फिंगरों को अच्छे से दबा लेते हैं। और आप ना बीच में अपने अंगूठे की उंगली डाल के फिर उसको पुश मतलब ऐसे दबाएंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा रिलैक्स मतलब फील होगा, और आपकी उंगलियां भी फूट जाएंगी और मतलब बिल्कुल
बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है अगर आप एक बार जैसे मैंने मसाज किया है वैसे अपने पैरों को मसाज करोगे तो, सच मानिए तो बिल्कुल भी छुमंतर हो जाएंगे आपके थकान। और ऐसे ही मैं करती हूँ अपने पैरों की मसाज। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है थोड़ा सा भी मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और आप मुझसे कुछ भी उम्मीद और कुछ देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपकी विश पूरी करूँगी। बाय।